जी हाँ गाइस, हम सभी जो है अपकमिंग सीरियल्स या अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलते अपने टॉपिक पर बिना किसी लंबी बहस के। इस पर वैसे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि मरीज आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो गाइस, अगर हम सभी जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ सॉन्ग्स और एक मूवी है, लेकिन उस बारे में मैं तफसील से इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बाकी अगर हम उनकी अपकमिंग सीरियल की बात करें तो सुरभि ज्योति का अपकमिंग सीरियल है नागिन 6। जी हाँ गाइस, सुरभि ज्योति नागिन 6 में काम करने वाली है। सुरभि ज्योति ने नागिन 3 में भी काम किया था बेला के किरदार में और लोगों ने इनको खूब पसंद किया था। और एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि नागिन 3 नागिन सीजन का मोस्ट पॉपुलर सीजन रहा था। अब वो सुरभि ज्योति नागिन 6 में काम करने वाली है और सुरभि ज्योति के साथ नागिन 5 के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स शरद मल्होत्रा और सुरभि चन्ना यानी कि वीर और बानी काम करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, नागिन 6 में आपको तीनों दिखेंगे, शरद मल्होत्रा, सुरभि चन्ना और सुरभि ज्योति यानी कि बेला, वीर और बानी आपको तीनों दिखने वाले हैं नागिन 6 में। तो तीनों ही ये नागिन 6 करने वाले हैं। वीर और बानी नागिन 5 में वीर और बानी की भी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और मोस्ट डिमांडेड में नागिन 5 के वीर और बानी को नागिन 6 में लाया जा रहा है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।